गुड मॉर्निंग 10th स्टैंडर्ड। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा मैंने चैप्टर 3 स्टार्ट करवाया था। चैप्टर 3 का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हालांकि ये चैप्टर की बात करें तो चैप्टर में दो तरह के सम आते हैं, जिसमें एक होते हैं प्रॉब्लम सम और एक होते हैं डायरेक्ट आपको इक्वेशन दी जाती है। दोनों पॉसिबल है। नो डाउट हमने जो प्रॉब्लम सम की बात की थी, मैंने एक दो प्रॉब्लम सम भी आपको करवाए, कहा था प्रैक्टिस के लिए भेजूंगा और वो प्रैक्टिस के लिए सम भी आपको मुझे देने हैं। बट अभी अगर हम इस लेक्चर की बात करें तो आप देखोगे चैप्टर की स्टार्ट है 3.1। हालांकि 3.1 में ग्राफ दिए हुए, 3.1 और 2 ऐसा है जिसमें ग्राफ दिए हैं जो कभी पेपर में पूछे नहीं जाते। और इस साल का जो सिलेबस है उसमें भी इंफॉर्मेशन है कि जो ग्राफ है वो नहीं पूछे जाएंगे। नो डाउट उसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम कंसिडर करने वाले हैं। चैप्टर की जो मेन स्टार्टिंग पॉइंट है वो 3.3 से है। पूरे चैप्टर में हमें तीन मेथड अच्छी तरह से डिस्कस करने हैं जिनके सम प्रॉब्लम सम आपके पूछे जाते हैं, और वो तीनों मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसके बाद आता है एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड जो आता है उसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ये तीन मेथड को अगर आपने अच्छी तरह से कर लिया तो इस चैप्टर में बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। नो डाउट जो 3.1 है, 3.2 है वो हम ऑब्जेक्टिव सम के लिए, एमसीक्यू के लिए या मे बी 1 या 2 मार्क्स में जो सम आते हैं उनके लिए कंसीडर करेंगे। 3.1, 3.2 में लास्ट में कंसीडर करूंगा, लास्ट इन द सेंस जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब तक आपको चैप्टर की बेसिक आइडिया आ जाएगी कि हम नॉर्मली कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट इक्वेशन है, क्या है, वो सब धीरे धीरे आपको आइडिया आती जाएगी जो 3.1 और 3.2 में खास इंपॉर्टेंट काम आने वाली है। हालांकि अब तक देखा गया है कि जो 3.1 3.2 है उसमें से एमसीक्यू फॉर्म ऑब्जेक्टिव 1 या 2 मार्क के आते हैं, जो सम आ जाते हैं 3 या 4 मार्क के वो आपके 3.2 3.4 और 3.5 में से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज 3.3 एक्सरसाइज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं 3.3 की। 3.3 की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो मेथड डिस्कस हो रहा है उस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। पूरे चैप्टर में मैं आपको तीन मेथड सिखाने वाला हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। पेपर में आपको मेंशन किया जाता है कभी कभी कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सम करना है। तीनों के बारे में एक बात बताऊं, तीनों में से किसी भी मेथड से सम करोगे आपका आंसर तो आएगा। मतलब अगर आपको पेपर में मेंशन नहीं किया गया है देन यू हैव टू फॉलो दिस मेथड। तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो बट हम एक एक मेथड करके क्या करने वाले हैं, ये सम सीखने वाले हैं। और इस सम की खास बात बताऊं, हर एक सम में कुछ ऐसे सम होंगे जिसमें इक्वेशन रेडी होगी और पीछे कुछ ऐसे सम दिए गए जिसमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। आपको याद होगा उस दिन मैंने 2-3 सम, 2 या 6 सम हमने बोर्ड पे किए थे जिसमें हमें प्रॉब्लम सम दिए गए थे। प्रॉब्लम सम मैं किसे कह सकता हूँ, जैसे कि 5 kg राइस की, 1 kg राइस की प्राइस इतनी है, हमने 5 kg राइस परचेस किया, इतने पैसे यूज किए, वो सारे प्रॉब्लम सम जो हम सीखेंगे इसी पॉइंट के अंदर आएंगे, हम उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है उसके बारे में देखें। हमें हमेशा 2 इक्वेशन दी जाएगी क्योंकि नाम ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और लास्ट चैप्टर मतलब जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो मैंने समझाया था 2 वेरिएबल मतलब आपको एक्स और वाई तो होगा ही होगा, उनके थ्रू हमें क्या करना है एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढनी है। तो पहली इक्वेशन मुझे दी गई है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 और दूसरी इक्वेशन दिखाई गई है x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब ये 2 इक्वेशन मुझे दिखाई गई है और टाइटल क्या दिया गया है ध्यान से सुनना, लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब मैं जो मेथड यूज करने वाला हूं उस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेथड के नाम से ही क्लियर हो रहा है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है बदलना, प्लेस चेंज करना। आपको पता है क्रिकेट करते हो तो सब्स्टिट्यूट प्लेयर होता है, मतलब एक प्लेयर अगर इंजर्ड हो जाता है या कहीं बाहर जाता है तो उसके जगह पे दूसरा प्लेयर लेके आता है, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट। यहां भी कुछ हम ऐसे ही करने वाले, एक्स के जगह पर वाई का यूज होगा, वाई के जगह पर एक्स का यूज होगा, दैट इज वाई दिस मेथड इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट।
तो मैं क्या करने वाला हूं, देखो आपको हमेशा इस तरह से दो इक्वेशन दी जाएगी, कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हो। मैं क्या कह रहा हूं, दो इक्वेशन है, मैं चलो कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं। तो मैंने क्या क्या, ये एक्स लिया, सेकंड इक्वेशन यूज कर रहा हूं, फोर प्लस वन, मैंने जो माइनस वाई है इस साइड ले लिया, तो ये क्या हो गया, फोर प्लस वाई। तो हम ऐसा कह सकते हैं एक्स इक्वल टू फोर प्लस वाई, एक्स इक्वल टू फोर प्लस वाई, मतलब क्या होगा, जहां भी अगर x होगा मैं उसको सब्स्टिट्यूट करके मैं 4 प्लस वाई यूज कर सकता हूं, राइट। तो यहां पर ये यह आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी जो आपको क्वेश्चन में दी गई थी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन थी। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये मैंने x माइनस वाई, ये मैं यहां भी कर सकता था, अगर मैं यहां करने जाता तो यह हो जाएगा y उस साइड चला जाता तो 14 माइनस वाई आ जाता। तो अब हमें क्या करना है, देखो x की वैल्यू 4 प्लस वाई मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, यूजिंग x इक्वल टू 4 प्लस वाई, मैं क्या करूंगा इस इक्वेशन में x की वैल्यू को क्या यूज करने वाला हूं, मैं 4 प्लस वाई यूज करूंगा। तो मैं कैसे कर रहा हूं, देखो दिस वन इज x और मुझे पता है कि x की वैल्यू क्या है, मैंने इक्वेशन फिर से रख रहा हूं x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो मैंने x के प्लेस पे मुझे क्या रखना है, 4 प्लस वाई, राइट, और पीछे x के प्लेस पे ये रखा y, तो एज इट इज रख देना है इक्वल टू 14। अब ये y प्लस वाई दैट मीन्स ये हो जाएगा 2y, और ये 4 प्लस का अगर हम राइट साइड लेते हैं, दिस वन इज लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से जब राइट साइड होता है तो साइड चेंज साइन चेंज, सिंपल रूल हमारा है साइड चेंज साइन चेंज। तो 14 में से 4 माइनस किया तो ये हो गया 10। अब ये 2 मल्टीप्लाई का 2 को हम डिवीजन में ले लेंगे तो आपके पास जो y की वैल्यू आ जाएगी दैट इज y इक्वल टू 5, y मिल गया 5। अब हम वापस इस इक्वेशन में यूज करेंगे तो x की वैल्यू भी मिल जाएगी, जैसे यूजिंग y इक्वल टू 5 मैंने क्या किया, y की वैल्यू 5 यूज की, तो अब देखो x मुझे कैसे मिल रहा है, x इक्वल टू 4 प्लस y, राइट। तो x इक्वल टू 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 मतलब आपका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो मुझे दोनों वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू भी मिल गई, y की वैल्यू भी मिल गई। तो मेरा सम जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया था, फर्स्ट सम, अब क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात कर नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन 1 का सेकंड, बट थोड़ा आपको एलसीएम में प्रॉब्लम आएगा तो वो भी मैं आपके लिए सॉल्व कर लेता हूँ, तो आपके लिए इजी रहेगा। अब जो ये क्वेश्चन 1 का सेकंड सम है उसकी दो इक्वेशन मुझे दी गई है, अब ये दो इक्वेशन मैं रख रहा हूं, देखो दो इक्वेशन मैं रखूंगा, यहां लिखा है s माइनस t इक्वल टू 3 और यहां रखा है s बाय 3 प्लस t बाय 2 इक्वल टू 6। अब क्या होगा, ध्यान से ऑब्जर्व करना, अब क्या होगा, सबसे पहले ये सिंपल इक्वेशन है बट ये थोड़ी ऑड तरह की इक्वेशन है, तो हमें क्या करना है, सिंपल करना है ऑड इक्वेशन को, कैसे कर सकते हैं, एलसीएम आपको आता है, एलसीएम आता है, या तो मेरा एक और मेथड है जो मैं आसानी से किसी भी एलसीएम को कंप्लीट कर सकता हूं, उसे मैं कहता हूं थ्री मल्टीप्लीकेशन, या सिंपल वर्ड में उसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कहते हैं। देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 हो गया, 2 को आपको s के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 2s, और 3 को t के साथ मल्टीप्लाई करना है, साइन कौन सी प्लस की 3t, ये तीन मल्टीप्लाई करने से आप कोई भी एलसीएम कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स को एलसीएम में प्रॉब्लम होता है, आप एलसीएम में मत जाओ, सिंपल 3 को 2 से किया 6, 2 को s से किया 2s, 3 को t से किया 3t, ये भी एक एलसीएम ही है, बट स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, उसके लिए मैं इनका नाम एलसीएम देता ही नहीं हूँ, सिंपल वर्ड दे दिया इसे क्रॉस मल्टी, क्योंकि क्रॉस हो रहा है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब यहां पर आपका इक्वल टू में 6 लिखा हुआ है, 6 डिवीजन का मल्टीप्लाई में आ गया तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। 36 कैसे होगा, मैंने एक स्टेप कम कर दिया, 6 डिवीजन का इधर मल्टीप्लाई में आ गया, सो 6 इंटू 6 इक्वल टू 36। अब मेरे पास दो इक्वेशन रेडी हो गई, s माइनस t इक्वल टू 3, सेकंड इक्वेशन इज 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया किसी भी इक्वेशन को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, किसी में भी कर सकते हैं आप, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी, बट जो इजी वन है उसे ही कन्वर्ट करना ज्यादा बेटर होगा। ये देखो इजी ये है, तो ये मैंने कर दिया s इक्वल टू 3 प्लस t,
ये जो माइनस का टी इस साइड आ गया तो प्लस टी आएगा, तो यहां पर यू कैन से दैट द वैल्यू ऑफ एस इक्वल टू 3 + t। तो यहां पर इस इक्वेशन में मैं यूज कर रहा हूं, यूजिंग मैं क्या कर रहा हूं, एस इक्वल टू 3 + t। मैं क्या कर रहा हूं, जो एस की वैल्यू है, एस की वैल्यू वो क्या ले रहा हूं, 3 + t ले रहा हूं। कैसे होगा, चलो ठीक है देखते हैं। ये टू आपको क्या लेना है, जहां भी एस है उसके जगह करना है 3 + t। तो यहां पर एस है तो उसके जगह मैंने लिख लिया 3 + t इक्वल प्लस, सॉरी ये प्लस की साइन, और यहां तो एज इट इज 3t है इक्वल टू 36 हो गया। मल्टीप्लाई होगा 2 को 3 के साथ करेंगे 6, 2 को t के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2t प्लस, यहां पर क्या लिखा हुआ है 3t इक्वल टू 36। करना क्या है, पहले तो ये 6 प्लस के है लेफ्ट साइड में, आप उसे राइट साइड में ले लो, माइनस में आ जाएंगे तो 2t प्लस 3t इक्वल टू क्या आ जाएगा 5t आएगा, और यहाँ पर 36 माइनस 6 इक्वल टू 30 इक्वल टू क्या आ गया 30 आ गया। सो वी कैन से दैट 5t इक्वल टू 30। तो अब जो 5 मल्टीप्लाई का है उसे मैं डिवीजन में ले लेता हूं, तो जैसे ही मैंने डिवीजन में लिया तो t की वैल्यू आपको मिल जाएगी 30/5 इक्वल टू 6। सो यू गॉट t इक्वल टू 6। अब मुझे t इक्वल टू 6 तो मिल गया, उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे तो s की वैल्यू भी ढूंढनी है। अब t इक्वल टू 6 इसमें यूज कर लेते हैं, यूजिंग t इक्वल टू 6। अब मैंने t की वैल्यू 6 यूज की तो s इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 3 + t, तो 3 + t t की वैल्यू 6 है तो आपका s की वैल्यू आ जाएगी 9। तो यहां पर s इक्वल टू 9 हो गया, s इक्वल टू 9। तो ये मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 कर लिया। ऐसे तो आप बाकी सम कर सकते हो, जो थर्ड वन है वो तो बहुत इजी है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स। आज के होमवर्क में मैं आपको ये वाले सम दे रहा हूं, आपको 6 नंबर सम तक खुद करने हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाँ अगर नहीं आएंगे आपको, क्योंकि पता है मुझे पीछे थोड़े रूट वाले हैं, पॉइंट वाले हैं, फ्रैक्शन है, वो स्टूडेंट जो एटलीस्ट कर सकते हो वो कंप्लीट कर लेना, क्योंकि मैं जो कल के वीडियो में यही सम आपको करवाने वाला हूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं कहीं कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। और हाँ ये सारे सम में टेक्स्ट बुक के जितने भी सम है एक एक सम में सॉल्व करवा रहा हूं आपको, ताकि आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो। फिर भी आपको एक प्रैक्टिस बुक दिया गया है, आपको प्रैक्टिस बुक दिया गया है, तो जो सेम सम आपको ऐसे ही सेम सम प्रैक्टिस बुक में भी मिलेंगे, क्वेश्चन अलग होंगे, बट सेम इस तरह के इसी टाइप के सम आपको प्रैक्टिस बुक में मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, ये जो सम हम सॉल्व कर रहे हैं वही सेम टू सेम आपको प्रैक्टिस बुक से भी सॉल्व करने हैं, तो आपकी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। तो अब हमें क्या करना है, ये तीन सम, दो सम मैंने करवाया, बाकी के पीछे के जो चार सम है आपको खुद कंप्लीट करने हैं, ताकि आपको कोई भी डाउट हो तो आप सॉल्व कर सको। नो डाउट थोड़े टफ है, अगर नहीं आए तो ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं, कल के वीडियो में मैं उसे कवर करने वाला हूं, बट फिलहाल जो स्टूडेंट्स एटलीस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स है वो खुद ट्राई करना, ताकि आपको प्रैक्टिस मिल सके, क्योंकि ज्यादातर समय अगर मैं सॉल्व करवाऊंगा तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। इसके लिए आप पहले खुद ट्राई करो, नहीं हो रहा है तो टेंशन करने की जरूरत नहीं, मैं आपको ये सारे सम जितने भी सम टेक्स्ट बुक में ईच एंड एवरी सम में आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। तो प्रैक्टिस के लिए आप करते रहो, मैंने जो प्रैक्टिस बुक दिया है उसमें एक्स्ट्रा सम है वो भी प्रैक्टिस करते रहो, ताकि आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस हो सके। बाकी का जो भी डिस्कशन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपके आगे के चैप्टर के लिए मैं बताऊं, जो भी आगे के चैप्टर है रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहो, स्कूल अभी बंद है, काफी सारा टाइम आपके पास है, रेगुलर प्रैक्टिस होती रहेगी, और इवन हर सैटरडे हम टेस्ट ले रहे हैं तो रेगुलर बेसिस पे मैथ्स का भी आपका टेस्ट होता रहेगा, तो उससे बेनिफिट क्या रहेगा, आपके आगे के चैप्टर भूल नहीं जाओगे। अगर आपने देखा उस टाइम प्रैक्टिस की उसके बाद छोड़ दिया है तो आप वापस वो चैप्टर भूल जाओगे, रेगुलर बेसिस पे आप उन चैप्टर्स को देखते रहो तो प्रैक्टिस होती रहेगी। बाकी का मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ओके बाय।